हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 18 तारीख था और 4 बजे शाम से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में संविदा कर्मियों के हित में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए हैं जो संविदा कर्मियों के फेवर में है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर लेने के बाद कल 18 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी जिसमें बहुत सारे ऐसे अधिसूचना पर मुहर लगनी थी। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि 10,568 संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द नियमित करके रिपोर्ट सौंपे। इसीलिए क्योंकि 10,568 संविदा कर्मी जब नियमित हो जाएंगे तो सरकार को रिपोर्ट सौंपे, क्योंकि सरकार इलेक्शन के दौरान उनसे काम ले पाए, तो इलेक्शन कमीशन उनसे काम ले पाए क्योंकि ज़रूरत तो पड़नी ही है। तो उसमें जो है राजस्थान के विभिन्न विभाग, जो संविदा कर्मियों के विभिन्न विभाग हैं राजस्थान में, उसमें से बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मियों को लिए गए हैं। सभी विभागों में से कुछ कुछ संविदा कर्मियों की संख्या को लिया गया है और 10,568 जो इलेक्शन कमीशन को उतनी ज़रूरत है कि मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं इलेक्शन के समय में जिसको करवाने होते हैं। तो इसीलिए जो है अभी संविदा कर्मी, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि काम करने से मना ही कर रहे हैं और धरना पर है, कहीं ना कहीं मन से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसलिए की है क्योंकि प्रदेश में जो है, राजस्थान में जो है, बहुत सारे ऐसे पत्र थे जिसपे मुहर लगने थे, बहुत सारे ऐसे काम थे जो रुके हुए थे। तो बाकी संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ है, तो सरकार सीधे तौर पे कह चुकी है कि संविदा कर्मियों का नियमितीकरण आचार संहिता के दौरान भी नहीं रुकेगी। उनकी प्रोसेस, सारा काम जो है निर्धारित तरीके से जैसे हो रहा था उसी प्रकार से होगा, यहाँ तक कि आप लोगों के काम में जो है और तेजी ही होगी। लेकिन 10,568 संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द नियमित होगा, जिसमें पैरा टीचर से लेकर के पंचायत शिक्षक सभी मौजूद हैं। हमने तो दो मतलब विभाग का नाम लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग जो संविदा कर्मी जो अलग अलग कैडर पे काम करते हैं राजस्थान में, उन सभी में से थोड़ा थोड़ा करके लिया गया है जिससे वो काम ले पाए। तो जितने भी संविदा कर्मी हैं, या आपका कार्य अनुभव 5 साल हो, 9 साल हो, 15 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग धैर्य बना के रखें क्योंकि ये आचार संहिता के दौरान भी आप लोगों के काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ऐसा सरकार का साफ तौर पर कहना है। तो बने रहे, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अभी इलेक्शन में थोड़ी सी समय है, उससे पहले बहुत सारी ऐसी बैठक होगी जिसमें अहम फैसला लिया जाएगा आप लोगों के भी फेवर में। तो चलिए, आज की खबर में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।